आज हम बनाएंगे बंगाली स्पेशल बासुंती पुलाव। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है गोविंद भोग चावल। चावल को मैंने नॉर्मल पानी में एक घंटे के लिए सोक्ड करने के लिए रखा है। एक घंटे के बाद चावल छान लिया है मैंने। अब इसी चावल में हम डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक, गरम मसाला पाउडर, एक पिंच हल्दी पाउडर, चीनी। पुलाव थोड़ा सा मीठा होता है इसीलिए मैंने चीनी डाला है। फिर इसमें डालेंगे ग्रेटेड अदरक और घी। सारे मसालों को चावल के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए चावल मैरिनेट हो गया है। अब इसी चावल को 30 मिनट्स के लिए हम रेस्ट करने देंगे। आधा घंटा बाद एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और गरम मसाला। तेज पत्ता और गरम मसाले को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए तेज पत्ता और गरम मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू और किशमिश जो मैंने पहले से भिगो के रखे हैं। काजू और किशमिश को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। काजू किशमिश फ्राई होने के बाद हमने मैरिनेट किया हुआ चावल को कढ़ाई में डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम चावल को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करने से चावल हार्ड हो सकता है। हम सैलो फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ 1 कप चावल लिया है तो उसी के हिसाब से मुझे 3 कप पानी देना पड़ेगा। मैंने 3 कप पानी दे दिया है। अब इसको थोड़ा सा निकालने के बाद कढ़ाई का ढक्कन लगा दें। पुलाव होने के लिए लगभग 35 से 40 मिनट्स लगता है। तो 40 मिनट्स के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। देखिए हमारा चावल बनके तैयार है। और ध्यान रखें फ्लेम लो में करना है, मीडियम भी नहीं और हाई भी नहीं। देखिए हमारा पुलाव बनके तैयार है। आप चाहे तो पुलाव को पनीर, आलू दम, चिकन, मटन किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।